दोस्तों जो लोग फ्रॉड करते हैं वो तरह तरह से सोचते रहते हैं किस तरह से मुझे फ्रॉड करना है। तो दोस्तों ऐसे ही अभी दोस्तों फ्रॉड करने वालों ने एक नया तरीका सोचा है, जिस तरीके से वो लोग फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया है उन लोगों ने। तो दोस्तों वो तरीका क्या है वो दोस्तों मैं सब बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास पूरा प्रूफ है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ही करना चाहा था, और लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और उनका पूरा बांडा फूट जाएगा। तो दोस्तों ये फ्रॉड करने का दोस्तों इन लोगों ने तरीका कौन सा सोचा है उसको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हूं संदीप और स्वागत है आपका फिर से एक बार टच प्लस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि जो अभी फ्रॉड करने का इन्होंने नया तरीका निकाला है वो दोस्तों क्या है। तो जैसे कि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले अभी फ्रॉड ये लोग कर रहे थे, तरह तरह से कर रहे थे, लेकिन मेरे पास ये जो तरीका आया है पहला तरीका आया है जिस तरीके से इन्होंने फ्रॉड करने का सोचा है। और इसीलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि जब भी मेरे पास ऐसा कोई तरीका ये लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं और कोई मुझे ऐसा तरीका मालूम होता है कि जिस तरीके से ये फ्रॉड कर रहे हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग सिक्योर हो जाएं और ऐसे फ्रॉड से बच पाएं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वो इनका तरीका कौन सा फ्रॉड करने का। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रूफ भी दूंगा क्योंकि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो इनका दोस्तों फ्रॉड करने का जो तरीका है ना वो अब इस तरीके से हो चुका है, जैसे कि आपके पास फोन करेंगे वो आपकी डिटेल कैसे भी निकालेंगे, या फेसबुक से निकालें या ट्रू कॉल पे आप नाम वगैरह लिख देते हो वहां से आपका मतलब नाम जान लें, तो आपके पास ये फोन करेंगे आपसे बात करेंगे कि जैसे कि मैं हूँ संदीप, और जैसे कि मेरे पास फोन करेंगे कि भाई आप संदीप बोल रहे हो क्या, मुझे इस तरीके से बात करेंगे मेरे से, और मैं कहूँगा हाँ भाई मैं तो संदीप बोल रहा हूँ, और उसके बाद में कहेंगे कि मतलब आपसे मैंने 10,000 या कुछ भी रुपए मैंने उधार लिए थे वो आपको मुझे देने हैं, वो कैसे दूं। तो मैं कहूँगा यार उधार तो फिलहाल मैंने किसी को दिए थे नहीं, फिर मैं थोड़ा लालच में आ जाऊँगा कि चलिए अगर 10,000 आ रहे हैं तो फिर ले लेता हूँ, उसमें बुराई क्या है। तो इस तरीके से होता है, जो भी थोड़ा लालच में आता है फिर उसको वो लोग अपने मतलब लालच में फंसा के और फिर उसके साथ फ्रॉड करते हैं। जैसे कि अब मैं कहूँगा कि मेरे पास 10,000 रुपये आ रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है, आने दो। तो वो फिर आपके पास एक लिंक वगैरह सेंड करेंगे और उनका अमाउंट पहले से ही भरा रहता है, उसके बाद में जो यूपीआई कोड नंबर होता है वो आपको लिखने के लिए उसमें बोलेंगे, मतलब ये लिख दो आपका अकाउंट वेरीफाई या कुछ भी हो रहा है, इस तरीके से कुछ भी वो बता सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे यूपीआई अपना पिन डालते हो तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपका बैलेंस कट जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग फ्रॉड कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, उस रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्होंने मेरा एक दोस्त था उसके पास इन्होंने फोन किया था, और वो फिर इतना यूपीआई वगैरह के बारे में नहीं उसको नॉलेज है, इसलिए दोस्तों वो क्या करता है कि मुझे ही बताता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम या कोई भी बात होती है तो मुझे वो बताता है। तो उसी तरीके से उनके पास उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने उसका मतलब अंकल बन के फोन किया जिसने फ्रॉड करना चाहा, वो बोला कि मैं अंकल बोल रहा हूँ आपका। तो वो पहले रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। प्रमोद, प्रमोद कह रहे थे तो मतलब कैसा, किस चीज की पैसे डालना चाहते हो आप? अरे उससे हमने लिए नहीं थे 10,000 रुपये उधार। उधार लिए थे? अच्छा अच्छा वो डालना चाहते हो? हाँ अच्छा उधार लिए थे तो फिर डाल दो, और क्या। इसी नंबर पर लगवा लेना। हाँ इसी नंबर पे स्कैन करके डाल दो। फोन पे नहीं तो क्या, फोन पे नहीं डलवा नहीं ना। हाँ फोन पे में डलवाने हैं। जो मेरा दोस्त था उसके पास इसने फोन किया था, यानी कि इसने कहा था कि मैं आपका अंकल बोल रहा हूँ, आपसे पास मैंने आपके पास से मैंने रुपए लिए थे और वो मैं आपके अकाउंट पे डालना चाहता हूँ, आप मुझे फोन पे का एक नंबर दे दीजिए। और उसने मेरा नंबर इसको दे दिया, कहा कि मतलब उस वही चलाते हैं, मतलब मैं ही चलाता हूँ फोन पे वगैरह जो भी, कि मतलब इस नंबर पे आपको डालना है जो डाल देना। और इसके बाद में फिर इसने मेरे से पूछा कि आपसे प्रमोद, आपकी जो प्रमोद से बात हो चुकी है या नहीं, कि मतलब वो उन्होंने पैसे डालने के लिए बोला है, इस तरीके से इसके साथ मेरी बात हुई, आपने वो सुन लिया होगा। और उसके बाद में फिर मेरे जो दोस्त ने मेरे पास फिर फोन किया, अब वो वाली रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। यार ऐसे मतलब कैसे कहा कि मतलब उन पर उधार ले रहा है, या कोई बात न बात भाई, वो कहा उन पर उधार ले रहा है तब मैं डरी वो। हाँ उन पर कहा उधार ले थे। हम पर उधार ले, हम आपके बड़े पैसे वाले गाने हैं, उधार कोई दे दी वो। तब एक मारे ये फ्रॉड या यार, कोई फ्रॉड करी वो चाहती है। हाँ तुम पर क्या कर रहा है, पहले डायरेक्ट फोन मिला तब क्या कर रहा है डायरेक्ट? काय प्रमोद बोल रहे हो, काय कुलदीप अंकल बोल रहे हैं। अच्छा
हाँ अच्छा तम कई कौन कुल नहीं पर तम हैदराबाद से हम तो कलकत्ता में कौन हुई। अच्छा 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 फिर क्या कान लगो 10,000 रुपया डाल देवो सारा हाँ तुम पर उधार ले रहे हैं तो उन्होंने। हाँ हम पर ही होना है खाना डाल डाल दे नहीं। हाँ अच्छा पता हाँ ना हम पति कर रहा है उन पर हमने उधार ले रहा है तुम वही पर पूछना कितने उधार ले रहा है कितने नहीं। कई बार उधार ले तुम पर कार रहा है उधार हमने ले हुई तुमने उधार दे हुई है वही का अबे तो ना पूछी कितने ले कितने ना तुम्हें बताओ रहा हूँ 10,000 डर जाए दूँ कितने। आज 10,000 रुपया बताओ रहा है अच्छा वो कहा हमने उन पर उधार ले रहा है तब है कहा ये फ्रॉड यार करीब वो चाहते है हमें मालूम है। हाँ देख सकते हो दोस्तों इसकी बातों से ही पता चल गया था कि ये फ्रॉड करना चाहता है क्योंकि उधार लिए थे क्योंकि उसने ज्यादा उससे बातचीत नहीं की थी क्योंकि वो ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं जानता इसलिए वो लेथर में नहीं पड़ता है। कहता है कोई मेरा मतलब अकाउंट वगैरह से पैसे काट लेगा इसलिए वो चक्कर में ही नहीं पड़ता है तो इसलिए सीधे मेरे से ही बात करा दी। तो उसने कहा कि मैंने उनसे उधार लिया था और फिर मैंने कहा डालना है तो भाई डाल दो कोई मैं क्या करूँ मैं भाई दे दूंगा और क्या है। तो इस तरीके से मैंने उसको बोला। और फिर अब दोस्तों एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ जिसमें इसने कहा कि मैंने पैसे आपके अकाउंट पे डाल दिए हैं वो सुन लीजिए आप। हाँ फोन पे में डला दिया है कितना हाँ डलवा दिया है 10,000 उसने सिंगी गहराई बोल देख रहे हो रखा ना है या नहीं कितना यार दस मैंने चेक करके देखा उसने। हजार जी अभी देख रहे हैं हेलो एक मिनट देख रहे हैं नहीं आया क्यों तो आया है नहीं आया नहीं आया हेलो 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 नहीं आया जी नहीं आया कितना है आपका क्या कितना है बैलेंस आपका नहीं आया इसमें 1 रुपये नहीं आया। आपका कितना बैलेंस है अरे मेरे बैलेंस से तुम्हें क्या मतलब तुमने जो डाला है वो बताओ। मैं डाला हूँ आपका पहला कितना था क्या पहला बैलेंस आपका कितना था। अरे मेरा जितना था उतना था लेकिन अभी तुमने जो डाला है वो नहीं आया ना। अरे यार जब बताओगे ना और उसका पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग में कैसे चला जाएगा जी। अरे यार मिनिमम आय 3,500 पर होना चाहिए ना तब से नीचे हो जाए तो उसका पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग में मेरे में जाता ही नहीं भले 0 रुपए भी हो रहे हैं फिर भी नहीं जाता है। अरे यार उसका चला जाएगा आपका कितना है। मेरे में 3.5 लाख रुपए पड़े हैं। अरे 3,60,000 कुछ ऐसे हैं बताओ तो क्या अभी बोलता हूँ तो क्या भैया अभी बोलता हूँ आपसे रुको उसने इतना ही कर मेरे नहीं आए नहीं आए तो बोलता हूँ अपनी। तो दोस्तों देखा आपने कि इसने कहा कि आपके जो अकाउंट में है ना 10,000 रुपये मैंने डलवा दिए हैं और आपने चेक कर लो आए या नहीं आए। मैंने उसको बताया कि चेक करके कि मेरे में अभी कुछ भी नहीं आया। तो दोस्तों उसने कहा कि मतलब आपका बैलेंस कितना है मतलब आपके जो अकाउंट में है बैलेंस कितना है। तो दोस्तों इससे क्या मतलब है उसको बैलेंस मेरे में हो या ना हो उसको इससे क्या मतलब है। दोस्तों यहाँ पर इतना आप समझ लेना कि अगर आपसे कोई ऐसी बात करता कि आपके में बैलेंस कितना है तो दोस्तों वो क्या करेगा कि मतलब रिमाइंडर एक लिंक भेजेगा मतलब उस लिंक में डाल के भेजेगा। जैसे कि आपने बता दिया कि मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये है तो क्या होगा कि एक 5,000 रुपये का वो लिंक बना के भेज देगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो वहाँ पर अमाउंट भरना पड़ता है ना वो 5,000 रुपये ऑटोमेटिक भर जाएगा और सिर्फ आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। वो कहेगा कि आप अपना यूपीआई पिन डाल दो और तुरंत उसके अकाउंट में बैलेंस आपका कट के पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से होता है। और ऐसे अगर बताओगे नहीं ऐसे में कहीं उसने ज़्यादा भर दिया आपके अकाउंट में कम हुए तो आपके अकाउंट से कटेंगे ही नहीं उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों ये लोग ये सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अकाउंट में बैलेंस है कितना। तो इसलिए दोस्तों इसने ऐसा जानने की कोशिश की कहीं आपका बैलेंस पेंडिंग में ना चला जाए। दोस्तों कभी भी आपके अकाउंट में 0 रुपए हो फिर भी आपका जो बैलेंस होगा ना पेंडिंग में नहीं जा सकता है। पेंडिंग में जब भी जा सकता है जबकि आपका मतलब बैंक का जो सर्वर होता है ना वो थोड़ा लूज हो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा हो तब जाता है। लेकिन
ये नहीं कि आपके अकाउंट में बैलेंस होना ही चाहिए जब भी दोस्तों आपके अकाउंट में बैलेंस जाएगा और नहीं तो पेंडिंग में चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ये सब फ्रॉड करने के बहाने होते हैं, तो इस तरीके से फ्रॉड के चक्कर में मत आना आप। इस तरीके के झांसे में कोई भी आपको फंस रहा है तो मत फंसना। तो दोस्तों मेरा तो यही काम है कि मतलब जो भी कोई मतलब नए तरीके फ्रॉड करने के सोचते हैं लोग और मेरे से अगर करना चाहते हैं तो मुझे पता चलता है, तो दोस्तों उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको तुरंत बता देता हूँ कि इस तरीके से आप चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आपको कोई पागल बना देगा, बेवकूफ़ बन जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी इस चैनल पर इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।